अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। तो आज राम नवमी है और बेहद ही खास मौके पर अयोध्या की खूबसूरती देखते ही बन रही है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की जहां भव्य सजावट की गई है, बस थोड़ी ही देर में राम लला का सूर्य तिलक होने जा रहा है और 4 मिनट तक ये सूर्य तिलक होगा। सूर्य तिलक देखने के लिए कई जगहों पर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगा दी गई है। समय 12 बजे का तय किया गया था और तय समय के हिसाब से ही अयोध्या में राम नवमी पर 12 बजे बस कुछ ही समय बचा है, 2 मिनट लगभग बताया जा रहा है जब सूर्य तिलक किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक राम लला का सूर्य तिलक होगा। अभिजीत मुहूर्त वो जिसमें कि जो नकारात्मक ऊर्जा है या परछाई है किसी तरह की, वो नहीं पड़ती किसी भी चीज पर। और इस अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक राम लला का सूर्य तिलक होगा। राम लला सदन में राम जन्मोत्सव शुरू हो गया है। जगत गुरु राघव आचार्य ने 51 कलशों से भगवान राम लला का अभिषेक किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली बार राम नवमी है और एक तस्वीर अब जब हम आपको दिखाएंगे वो देखते ही बनेगी, क्योंकि बेहद ही दिव्य पल, ऐतिहासिक पल, शायद ही किसी ने टीवी पर कभी इस तरह का जो पूरा पल है या हम नजारा भी कह सकते हैं देखा हो, जब रामलला के तिलक पर आप सूर्य की किरणें देखेंगे और सूर्य तिलक आप देखेंगे, सूर्य अभिषेक जिसे कहा जा रहा है। रामलला के सदन में राम जन्मोत्सव शुरू हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली राम नवमी है। पर्दा हटते ही आप देखेंगे जो सूर्य अभिषेक है, सूर्य तिलक श्री राम को लगाया जाएगा। और ये देखिए वो ऐतिहासिक पल, वो भव्य और दिव्य पल जिसकी तस्वीर सुबह से ही हम लगातार दिखा रहे हैं अयोध्या से, ये सीधी तस्वीर जब राम लला का सूर्य तिलक हो चुका है और सीधे सूर्य की किरणें श्री राम के तिलक पर आप देखिए, काफी ज्यादा महत्व है इसका। लगभग 3:30 बजे मंदिर के कपाट खुल गए थे सुबह ही और आम दिनों में ये 6:30 बजे खुलते हैं। श्रद्धालु रात 11:30 बजे से ही यानी कि 20 घंटे दर्शन कर सकेंगे। 6 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम जन्मभूमि परिसर में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। राम भक्त पथ और भक्ति पथ, इसके साथ ही जन्मभूमि पथ पर काफी भीड़ है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स में छत पर लगा है, इसमें एक बड़ा मुख्य लेंस है जो बिना बिजली के 19 गियर के जरिए काम करता है। और इसी के साथ लेंस 1 की अगर हम बात करें तो इसको दिखा भी रहे हैं हम कैसे इसको पूरा जो है बनाया गया है। राम नवमी के दिन, आज ही के दिन आप देख सकते हैं करेक्ट 12 बजे का वक्त कहा गया था और करेक्ट 12 बजे सूर्य की किरणें तीसरी मंजिल पर लगे सिस्टम के पहले रिफ्लेक्टर पर गिरी है। यहां से पहले दर्पण पर जाएंगी और फिर लेंस के जरिए आगे बढ़ती हुई है, आई है श्री राम के तिलक पर। सीधे आप देखिए सूर्य तिलक हो चुका है श्री राम का। आज राम नवमी के इस पावन पर्व पर आज श्री राम का जन्मोत्सव और इस खास मौके पर, इस बेहद ही दिव्य मौके पर दिव्य दर्शन श्री राम के आप देख रहे हैं, राम लला के दर्शन जिसके लिए 6 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु मौजूदा समय में अयोध्या में मौजूद हैं। यहाँ से पहले दर्पण पर आप देखिए जो रोशनी है सूर्य की वो गई और इसके बाद सीधे तिलक पर। ये गर्भगृह में रामलला के मस्तक से ठीक सामने होगा आप जो देख रहे हैं, इसमें सूरज की किरणें 4 लेंस और 3 मिरर और पाइप से टकराकर पहुंच रही हैं श्री राम के तिलक पर। तो रामलला के मस्तक तक कैसे पहुंच रही हैं सूर्य की किरणें, इसको अगर समझा जाए तो शीशों के जरिए और साथ ही रिफ्लेक्टर्स के जरिए कोशिश पूरी कि सीधे राम जी के तिलक पर सूर्य की किरणें पड़े और ठीक वैसा ही आरती की जा रही है श्री राम के लिए। और आप देखिए बेहद ही ऐतिहासिक पल है ये जब
टेलीविजन पर आप देख पा रहे हैं, श्री राम के दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे कई श्रद्धालु हैं जो शायद ही अयोध्या नहीं पहुंच पाए अब तक, या अब तक दर्शन नहीं कर पाए, तो उनके लिए न्यूज 18 की तरफ से ये खास तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर के जरिए आप दर्शन कीजिए और ये लाइव नजारा आप देखिए अयोध्या का, कि इस वक्त राममय अयोध्या नगरी हो चुकी है। और उससे भी बड़ी बात, श्री राम का जो श्रृंगार है आज विशेष श्रृंगार है, श्री राम लला का जो श्रृंगार है आज देखते ही बन रहा है। बहुत ही खूबसूरत राम लला नजर आ रहे हैं, उनका आभूषण आप देखिए। उनके आभूषण की बात करें तो मुकुट से लेकर उनके कपड़ों में भी, और फिर उनके पाँव में जो पैजनिया है उसमें भी सोना है। ऐसे में उनका जो तिलक है, ये तिलक और भी ज्यादा कई मायनों में खास हो जाता है तब जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ी हैं। 12 बजे ठीक सूर्य की किरणें इस पर पड़ी हैं। लगभग 3 मिनट तक कहा जा रहा है कि ऐसे ही सूर्य की किरणें तिलक पर पड़ी रहेंगी। अभिजीत मुहूर्त जिसे कहा जा रहा है, इस अभिजीत मुहूर्त में श्री राम की आरती की जा रही है। न्यूज 18 पर सूर्य तिलक की लाइव तस्वीर आप देखिए, मन मोह देने वाली ये तस्वीर है। और ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ जब श्री राम की इस तरह की तस्वीर हमने देखी हो। बेहद ही ऐतिहासिक और दिव्य पल, अयोध्या से सूर्य तिलक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई पंडित पुजारी साधु संत इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि बड़े ही खूबसूरती से आज श्री रामलला की मूर्ति को सजाया गया है। और आप जानते ही हैं कि श्री रामलला की मूर्ति, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है कि काफ़ी ज़्यादा मान्यता है अयोध्या में, रामनवमी पर लगभग 12 बजे के करीब सूर्य के किरण जो हैं वो श्री राम के तिलक पर पड़े हैं और उनका सूर्य तिलक हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये पहला सूर्य तिलक है। दोपहर 12 बजे का वक्त तय किया गया था जो कि अभिजीत मुहूर्त है, और इस तय अभिजीत मुहूर्त के मौके पर 3 मिनट तक लगातार इसी तरह सूर्य तिलक बना रहा। और अब आरती की जा रही है। नन्हे से श्री राम को आप देखिए, रामलला है, छोटे से रामलला जिनका अद्भुत श्रृंगार किया गया है। सुबह 3:30 बजे ही मंदिर के कपाट खुल गए। मंदिर के कपाट के खुलने के साथ ही आज श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़, लगभग 6 लाख श्रद्धालु, 6 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। 51 कलशों से भगवान रामलला का अभिषेक किया गया है, दुग्धाभिषेक किया गया है। श्री रामलला का 1.25 टन दूध से दुग्धाभिषेक किया गया है, दही से अभिषेक किया गया है, फूलों से अभिषेक किया गया है, जलाभिषेक किया गया है। तो रामलला सदन में राम जन्मोत्सव शुरू हो चुका है और जगत गुरु राघव आचार्य ने 51 कलशों से भगवान रामलला का अभिषेक किया। ऐसे ही आप इस पल को ऐतिहासिक समझ सकते हैं कि शायद ही आपने कभी इस तरीके का नजारा अपने पूरे जिंदगी में टेलीविजन पर देखा हो, जब श्री राम के तिलक पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और सूर्य तिलक की लाइव तस्वीर। आज के बाद कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि सूर्य तिलक क्या है, तो आप खुद कह सकते हैं कि सूर्य तिलक है क्या, और आपने खुद देखा भी है। राम नवमी पर इस पावन पर्व पर सूर्य तिलक की ये लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर। कनक भवन में भी तैयारियां चल रही हैं और इसके साथ ही जो सूर्य तिलक की तैयारियां थी वो लगभग 1 हफ्ते पहले से ही की जा रही थी। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए तमाम जो राम भक्त हैं वो पहुंच चुके थे अयोध्या। हनुमानगढ़ी के बाहर भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप राम मंदिर आ रहे हैं तो श्री राम के दर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप हनुमानगढ़ी नहीं गए तो फिर आपका दर्शन अधूरा ही है। इसलिए हनुमानगढ़ी भी लोग जाते हैं, हनुमानगढ़ी में भी काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। सिर पर चांदी की चरण पादुका लेकर अयोध्या पहुंचे हैं 700 किलोमीटर पैदल चलकर कुछ लोग। रामनवमी पर 40 राम भक्त जयपुर से 700 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे हैं। राम भक्त का कहना है कि 21 मार्च को सिर पर 750 ग्राम चांदी की चरण पादुका, अखंड ज्योति और ध्वजा लेकर रवाना हुए, और आज ही के दिन का इंतजार था कि रामनवमी पर वो देखें। रामनवमी के लिए उन्होंने तमाम तैयारियां कर रखी थी। अब आप श्रद्धालुओं को भी देख रहे हैं, केवी शुक्ला हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। केवी शुक्ला, भव्य दिव्य ऐतिहासिक पल, शायद ही किसी ने अपने जीवन में इतना ऐतिहासिक क्षण टेलीविजन पर देखा हो। जी बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली रामनवमी है जब भगवान रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर में उन्होंने जन्म लिया है। 12 बज चुके हैं, भगवान राम प्रतीकात्मक रूप से जन्म ले चुके हैं और भगवान सूर्य
लगभग 3 से 5 मिनट तक उन्होंने अपना अभिषेक भी किया है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाया गया है, जब सूर्य की किरणें दर्पण से होते हुए, प्रोजेक्टर से होते हुए भगवान रामलला को उन्होंने जो है अभिषेक किया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आज रामनवमी मनाई जा रही है, भव्य और दिव्य, ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है जब यहाँ पर रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण है कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब पहली रामनवमी है, जब भव्य और दिव्य मंदिर में भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं, चाहे वो कनक भवन हो, कनक भवन में ओडिशा के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, भगवान रामलला के जन्मोत्सव में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिला के अयोध्या एक ऐतिहासिक क्षण देख रही है। जो श्रद्धालु अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो न्यूज 18 के स्क्रीन पर भगवान रामलला के दर्शन कर सकते हैं। जिस तरह माना जा रहा है कि सुबह 3:30 बजे भगवान के पट खुल गए थे, उसके बाद उनका अभिषेक हुआ, 11 टन के दूध से उनका अभिषेक किया, उसके बाद उनका श्रृंगार आरती करने के बाद श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और माना जाता है कि भगवान राम चैत्र रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे जन्म लिया था, तो आज 12 बज चुके हैं और प्रतीकात्मक रूप से भगवान रामलला ने जन्म ले लिया है। यही नहीं, सूर्य की किरणें 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक भगवान रामलला के मस्तक को सुशोभित करती रही। तो ये आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि देखा जाए तो एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है, जब भगवान रामलला के मस्तक पर भगवान सूर्य जो है अपनी किरणें बिखेर रहे हैं, उनको सुशोभित कर रहे हैं, उनका अलंकार कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये अयोध्या नहीं पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जब दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान रामलला ने प्रतीकात्मक रूप से जन्म लिया और इस जन्म के मौके पर भगवान सूर्य ने खुद अभिषेक किया है, 2-3-5 मिनट तक जो है उनके मस्तक पर, उनके ललाट पर जो है सुशोभित किया है, किरणें बिखरी। तो कुल मिला के ये ऐतिहासिक पल रहा है, अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक क्षण है ये कि रामलला के जो श्रद्धालु हैं, जो उनके भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अयोध्या पहुंच में दर्शन कर रहे हैं। और जो श्रद्धालु अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो न्यूज 18 के स्क्रीन पर भगवान रामलला का दर्शन कर सकते हैं। तो कुल मिला के ऐतिहासिक क्षण, और हम इस समय खड़े हैं, ये देखिए आप क्षण, ये इस समय ये भगवान रामलला दर्शन मार्ग है जहाँ से लोग श्रद्धालु यहाँ रामलला का दर्शन करने जाते हैं। तो कुल मिला के ये वही गेट है, वही मार्ग है जहाँ से श्रद्धालु भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो कुल मिला के ये राम पथ के सड़कों पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ। तो कुल मिला के आज रामलला का जन्म प्रतीकात्मक रूप से हो चुका है, सोहर गाई जा रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही, जो प्रमुख मंदिर है वहां पर महिलाएं सोहर गा रही है, बधाइयां गा रही है। भगवान श्री राम को तो सूर्यवंशी कहा जाता है, ये कनेक्शन तो बहुत पुराना है और आज हम देख रहे हैं वो कनेक्शन जहां सूर्य और श्री राम का मिलन कुछ इस तरीके से कि उनके मस्तिष्क पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं। ये ऐतिहासिक क्षण, इस पर भी आपके पास आऊंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा ये दर्शकों को सुना देते हैं। राम को सूर्य तिलक हो रहा है तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं, हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो, हनुमान की, राम लक्ष्मण जान 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 की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। केवी शुक्ला लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। केवी, मैं कह रही थी कि श्री राम को, भगवान जी को सूर्यवंशी भी कहा जाता है और वाल्मीकि जी ने रामायण में कई बार श्री राम और सूर्य का वर्णन भी एक साथ किया है। तो ये ऐतिहासिक क्षण इसलिए भी हो जाता है कि आज तक हमने सिर्फ पढ़ा और सुना है लेकिन आज देख भी लिया। जी बिल्कुल, ये अध्यात्म और विज्ञान एक साथ हुआ है कि जब
भगवान राम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी जो है उनको उनका मस्तक के अभिषेक कर रहे हैं। तो कुल मिला के अध्यात्म और विज्ञान दोनों का समावेश देखा गया। ऐतिहासिक क्षण है कि जब भगवान सूर्य अपने आराध्य भगवान रामलला के मस्तक पर अभिषेक कर रहे हैं, उनके ललाट पर अभिषेक कर रहे हैं। तो ये विज्ञान भी है और अध्यात्म भी है कि जब श्रद्धालु अपने आराध्य को उनके ललाट पर भगवान सूर्य की किरणें देख रहे हैं, भगवान सूर्य भी आज आह्लादित होंगे कि अपने आराध्य के आज उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो कुल मिला के विज्ञान और आध्यात्म आज दोनों देखने को मिला है कि जिस तरह से वैज्ञानिकों ने तैयारी की थी कि रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे भगवान राम के मस्तिष्क पर सूर्य अभिषेक होगा, इसकी तैयारियां पहले भी कर ली गई थी, इसका ट्रायल भी हुआ था और जो ट्रायल आज बिल्कुल जो सफल दिखता रहा है कि जिस तरह से भगवान सूर्य खुद अपने आराध्य भगवान रामलला के ललाट पर उन्हें अभिषेक किया है, 3 से 5 मिनट तक जो है ये जो है अभिषेक हुआ। कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह खुद अपने मोबाइल पर लाइव देखा है और राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की प्रधानमंत्री ने बोला है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक में शामिल रहे हैं और आज भी उनकी निगाहें जो है अयोध्या पर हैं। वो ठीक 12 बजे भगवान रामलला के जन्मोत्सव को लाइव देख रहे थे, उन्होंने सूर्य के अभिषेक को भी देखा और सूर्य को अभिषेक को देखते हुए उन्होंने राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की उन्होंने जयकारा भी लगाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयकारा लगाया है। तो ऐतिहासिक क्षण है कि अयोध्या में भगवान रामलला प्रतीकात्मक रूप से जन्म ले लिया है, सारे मंदिरों में सोहर गाए जा रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही है। तो कुल मिला के आज सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए जो ऐतिहासिक क्षण है कि भगवान रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में पहली रामनवमी जो की हो रही है वो दिव्य और भव्य मंदिर में हो रही है। तो कुल मिला के ये हिंदू नहीं सारे समाज सारे ब्रह्मांड के लिए आज जो ऐतिहासिक क्षण है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसका वर्णन भी किया जाता है, चाहे वो रामचरितमानस हो या फिर हम कह लें कि वो रामायण हो, इनमें भी। और क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी तो रामचरितमानस का एक मुझे जो लाइन है, रामचरितमानस की एक लाइन वो मुझे याद आ जाती है और वो लाइन ये है कि मास दिवस कर दिवस भा मरम ना जानई कोई, रथ समेत रवि थकेऊ निशा कवन विधि होई। इसका अर्थात ये है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो सूर्यदेव अति प्रसन्न होकर अपने रथ सहित अयोध्या आए थे और वो यहां पर 1 महीने तक रुक गए थे और ऐसा होने से अयोध्या में 1 महीने तक रात ही नहीं हुई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि 1 दिन 1 माह के बराबर हो गया था। तो ये मिलन आज हमने जो अपनी आंखों से देखा, सिर्फ वो हम पढ़ते आए थे, लेकिन आज ये मिलन, ये वर्णन, क्योंकि वाल्मीकि जी ने भी रामायण में ये वर्णन किया है कि श्री राम कैसे पूजते थे सूर्य देव को और तमाम जो सूर्यवंशी है वो अपने माथे पर सूर्य का जो चिन्ह है वो बनाते थे, सूर्य तिलक लगाते थे और आज यही सूर्य तिलक हमने भी लाइव देखा। केवी शुक्ला, इसकी तैयारियां राम मंदिर निर्माण से चल रही थी कि अगली रामनवमी जब होगी तो भगवान रामलला के मस्तक पर किस तरह से सूर्य किरणें अभिषेक करें, इसके लिए वैज्ञानिकों सारा लिया, रुड़की जो आईआईटी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी तैयारी किया। तो कुल मिला के ये सफल ट्रायल रहा, जो हमारे अध्याम देखा गया, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में देखा गया है वो आज वैज्ञानिकों ने करके दिखाया कि जब भगवान रामलला ने दशरथ महादशा क्या जन्म लिया था तो भगवान सूर्य आके उन्होंने अभिषेक किया था। तो वो जो त्रेता युग था, वो त्रेता युग का वो क्षण आज इस कलयुग में अवतरित होता नजर आया कि भगवान सूर्य ठीक 12 बजे भगवान रामलला के ललाट पर जो है उन्होंने अभिषेक किया है। तो कुल मिला के ऐतिहासिक क्षण रहा है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में जो देखने को मिला, जो पढ़ने को मिला, आज वो साक्षात देखने को मिल रहा है कि किस तरह से भगवान सूर्य ने भगवान रामलला के ललाट पर आकर उन्होंने सुशोभित किया है, उन्होंने अभिषेक किया है। तो कुल मिला के जो वैज्ञानिक हमारे हैं उन्होंने प्रयास कर रहे थे, राम मंदिर मार्ग से प्रयास चल रहा था कि पहली रामनवमी में भगवान सूर्य जो कि भगवान राम खुद सूर्यवंशी माने जाते हैं तो उनके जो आराध्य थे वो भगवान सूर्य आके जो है उन्होंने जो है उन पर जो अभिषेक किया है, उनके मस्तक पर उनके ललाट पर अभिषेक किया है। तो जी ये पौराणिक जो ग्रंथों में मिलता है, जो त्रेता के युग में जो दिखाई पड़ता था वो आज कलयुग में साक्षात देखने को मिल रहा है। जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं वो यहाँ पहुंचकर कुछ साक्षात देख रहे हैं तो कुछ जो नहीं पहुंच पाए हैं वो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भगवान रामलला के मस्तिष्क पर उनके ललाट पर किस तरह से भगवान सूर्य ने उनको सुशोभित किया है, उनको अभिषेक किया अपने किरणों के जरिए। तो कुल मिला के ये ऐतिहासिक क्षण रहा है, पूरे ब्रह्मांड के लिए ऐतिहासिक क्षण है जब भगवान रामलला के मस्तिष्क पर उनके ललाट पर भगवान सूर्य खुद अभिषेक किए हैं। तो ये हमारे पौराणिक ग्रंथों में पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और ये त्रेता युग का था, त्रेता युग को जो हमारे वैज्ञानिकों ने
कलयुग में उतारा है, तो जो दृश्य उस समय रहा होगा त्रेता में, वही दृश्य आज कलयुग में देखने मिल रहा है कि अयोध्या में जो नव्य और भव्य। देवी शुक्ला कि अपने पूर्वजों का सम्मान आप जब तक इस धरती पे हैं, चाहे जिस भी अवतार में हैं, आप करते आएंगे, तो फिर ये एक ऐतिहासिक क्षण बन जाएगा और आज भी यही देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ऐतिहासिक क्षण तो है ही है, ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग जो है जो ऋषि मुन्नोजा लिखित जो ग्रंथों में लोग पढ़ते आए हैं कि किस तरह से भगवान रामलला त्रेता में जन्म लिए थे, किस तरह से उनका अभिषेक किया गया था, किस तरह से सोहर गाए थे मंदिरों में, किस तरह बधाइयां गाई थी, वो सारे दृश्य आज कलयुग में अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। सारे मंदिरों में महिलाएं, खासकर इससे पहले कनक भवन में मुख्य रूप से रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, वहां ओरछा के लोग पहुंचे हुए हैं, अपने परंपरा के रूप से उन्होंने राम बनाया है। तो कुल मिला के जब भव्य और दिव्य नए मंदिर में रामलला का पहला जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो एक ऐतिहासिक क्षण है, एक अलौकिक क्षण है। किस तरह से सूर्यवंशी भगवान रामलला को भगवान सूर्य ने अभिषेक किया है, 3 मिनट से लेकर लगभग 5 मिनट तक जो वैज्ञानिकों का जो क्षण था कि वो अभिषेक करेंगे, तो आज वो क्षण त्रेता का जो क्षण था वो कलयुग में दिखाई पड़ा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कुछ अयोध्या के बारे में भी बताइए कि आज अयोध्या में क्या कुछ नया दिखाई देगा हमें और कितना खास कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। देखिए अयोध्या में पिछले एक हफ्ते से यानी कि मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। हरीश तिवारी ओरछा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, आज बेहद ही खास दिन, रामनवमी का ये पर्व, रामनवमी का पर्व और राम मंदिर पर पूरे देश की नजर, जहां सूर्य तिलक आज हो चुका है, आज कितना उमंग, कितना उत्साह। देखिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ठीक 12 बजे राम राजा सरकार का जन्म ओरछा में भी हो चुका है। ओरछा मंदिर में करीब 12 बजे आरती हो चुकी है। देश विदेश से जो है वो श्रद्धालु ओरछा में आ चुके हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु है वो बधाई गा रहे हैं, आतिशबाजी भी हो रही है और राम के जन्म को एक बहुत ही बड़ा भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है। चूंकि ओरछा इसलिए भी खास है कि जो रानी कौशल्या, रानी जो कुंवर गणेश थी, वो भगवान श्री राम को अल रूप में ही लाई थी और आज 3 दिनों तक लगातार राम के जन्म को ओरछा में मनाया जाएगा। बुंदेलखंड की अयोध्या भी ओरछा को कहा जाता है और कहीं ना कहीं बुंदेलखंड सहित प्रदेश में, पूरे देश में ओरछा को लेकर, श्री राम राजा सरकार को लेकर लोगों में खासी आस्था है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और हम देख भी सकते हैं कि मंदिर में तमाम जो विशेष अनुष्ठान है वो चल रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज श्री राम का जन्म हुआ था और एक बार फिर से जो जन्मोत्सव है वो दिव्य भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। ओरछा में श्री राम का श्रृंगार कितना अद्भुत हुआ है आज और उनके श्रृंगार की विशेषताएं बताइए कुछ। देखिए जो एक श्री रामराजा सरकार की मर्यादा है उसमें कैमरे के सामने रामराजा सरकार के विग्रह को दिखाने की मनाही है, लेकिन भगवान श्री रामराजा सरकार जो गर्भगृह है उससे बाहर निकलकर पालने में आए हैं, जो लगातार 3 दिनों तक। ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी, सीधे चलते हैं अयोध्या। राम में है यही कहना चाहूंगा, रास्ता देखते थे नयन राम का, रास्ता देखते थे नयन राम का, आज हो ही गया आगमन राम का, रास्ता देखते थे नयन राम का, आज हो ही गया आगमन राम का। और हुआ क्या, सबरियों की कुटी स्वर्ण की हो गई, पीर घायल पड़ा गिद्ध की खो गई, कर रहा है हृदय बस भजन राम का, कर रहा है हृदय बस
भजन राम का। बिल्कुल, आज हर किसी का हृदय है वो राम का भजन ही कर रहा है। रामनवमी पर हर साल भीड़ होती है अयोध्या में, हर साल लोग आते हैं, सरयू स्नान करते हैं, सरयू स्नान का बहुत महत्व है, रामलला के दर्शन करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से प्रसाद और अपनी अपनी यादें लेकर जाते हैं अपने घर को और फिर अगले रामनवमी पर ज़रूर आते हैं। इस बार ये संख्या थोड़ी और ज़्यादा हो गई है, जो आम लोग आते थे उनके साथ साथ और भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मैंने दार्जिलिंग से आए लोगों से मुलाकात की, जम्मू कश्मीर से आए लोगों से मुलाकात की, आंध्र प्रदेश से आए लोगों से मुलाकात की और सभी रामलला को बिल्कुल आज भव्य और दिव्य पल है। और ऐसे में आप लोगों को सुन भी रहे हैं कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं अयोध्या में वो कितने ज्यादा खुश हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया।